करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी है बटर पनीर। बटर पनीर मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए मीडियम साइज के 2 प्याज ली हूँ मैं, मीडियम साइज के 4 टमाटे ली हूँ, 20 काजू है पीसेस है, 20 काजू के पीसेस है, 4 लौंग है, 2 इलायची है, 1 हरी मिर्ची है, 1 तेज पत्ता है, 4 लहसुन के कलियां हैं, 1/2 इंच की अदरक है और 1/2 टीस्पून धनिया है। तो चलिए बनाते हैं। तेल डालूंगी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब इसमें प्याज डालूंगी, प्याज को हल्का थोड़ा कलर चेंज हुए तक फ्राई करूंगी मैं। ये प्याज का थोड़ा कलर चेंज हो गया, अब इसमें डालूंगी ये तेज पत्ता, अदरक लहसुन की कलियां, ये सारा जो काजू है ये सब सारा मसाला इसमें डालूंगी। इसके बाद मैं डालूंगी टमाटर, टमाटरों को भी भून लूंगी मैं। अच्छा, ये टमाटरों को मैं मीडियम फ्लेम पे एक 5 मिनट तक ढक्कन ढाप के रखूंगी। तो आपको मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। तो पानी बताना भूल गई थी, थोड़ा पानी डाल के आप थोड़ा डालिए, ज्यादा मत डालिए, डाल के 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाइए आप। देखिए 5 मिनट हमारे हो गए हैं, ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगी, फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे ठंडा कर दूंगी, और जो इसमें मैं तेज पत्ता डाली ना ये मैं निकाल दूंगी और ठंडा हुए बाद इसको पीस लूंगी। देखिए ग्रेवी को मैं पीस ली हूँ, इस तरीके से पेस्ट बनाना है। अब इसको मैं क्या करूंगी, छान लूंगी अच्छी तरीके से। तो देखिए ये मसाले को इस तरीके से आपको पूरा छान लेना है, छाने बाद आपको इस तरीके से हो जाएगा, ये हम इसको फेंक देंगे। देखिए 50 ग्राम से बढ़ के मैं बटर इसमें डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तेल इसमें नहीं डाल रही हूँ। और मीडियम साइज से भी छोटी प्याज जो है चॉप करके रखी हूँ मैं, और मीडियम साइज से भी छोटा ये जो टमाटर है ना इसको छिलका निकाल के इसको छोटा छोटा कट करके रखी हूँ। प्याज भी इसमें डाल दूंगी, प्याज का थोड़ा कलर चेंज होना है। देखिए प्याज हमारी हो गई है, बस इतना ही होना है। ये टमाटर भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसमें डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च। टमाटर भी अच्छा, आपको मीडियम पे लो फ्लेम पे ही रख के भूनना है। टमाटर भी भून गए हैं, अब इसके बाद मैं जो डालूंगी जो पेस्ट है ना जो मैं बना के रखी थी वो मिला लूंगी। नमक भी नहीं डाली मैं, भी नमक भी डालूंगी इसमें, पानी भी डालना है इसमें, ये जो मैं मसाला डाली थी ना उसका ही पानी है ये। इसके बाद नमक डालूंगी मैं, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी क्रीम, और आपको थोड़ी शक्कर भी मिलाना है। देखिए मैं क्रीम में ही मिक्स करके शक्कर डाली, थोड़ी सी शक्कर डाली 1/2 टीस्पून। तो देखिए हमारा जो है पनीर मसाला रेडी हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी पनीर के पीसेस डालूंगी, पनीर आपकी मर्जी, आप जितना भी डालना चाहे डाल सकते हैं। अब इसमें मैं क्या डालूंगी, 1/2 टीस्पून कस्तूरी मेथी, हल्का उसको रोस्ट करना है। देखिए रोस्ट करे बाद उसको इस तरीके से क्रश करके डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनता। आप बना के देखिए, अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगी लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं इसको लो फ्लेम पे एक 5 मिनट रखूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी। ये हमारा बटर पनीर मसाला हो गया है रेडी। अब मैं इसको फ्लेम कर दूँगी बंद, अब कर दूँगी डिश आउट।